मुझे प्लेयर्स वैसे इंडियन पसंद हैं और विराट कोहली की वजह से मैं इंडिया को सपोर्ट करना चाहती हूँ. साउथ अफ्रीका को yes. और चाहते हो कि साउथ अफ्रीका जीत जाए. मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका ही जीतेगा नेक्स्ट मैच. आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तानी, इंडिया या साउथ अफ्रीका? मैं एज अ पाकिस्तानी सेम साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन ओवरऑल मेरी सपोर्ट अफगानिस्तान के साथ है. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज जवेरिया सिद्दीकी एंड यू आर वाचिंग पब्लिक रिएक्शन शो. जैसे कि आपको पता है कि दो बड़ी टीम्स, जब नाम मैं नहीं भी लिया आप लोगों को पता लग गया होगा कि मैंने बात किसकी की है, इंडिया की और साउथ अफ्रीका की. जी, अगला मैच है इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका. दोनों बहुत बड़ी टीम्स हैं, लेकिन कौन जीतेगा? क्योंकि साउथ अफ्रीका भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और इंडिया तो अच्छा परफॉर्म करती है. चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास और जानते हैं कि वो किसको सपोर्ट कर रही है और उनको किसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं. तो आए चलते हैं और बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमना है. हामिया, आमना, मैच देखती हो? जी जाहिर से बात है, मैच पाकिस्तान का मैच है तो देखेंगे. अच्छा, वैसे इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका का अगला मैच है और दोनों ही टीम्स बहुत बड़ी हैं, तो क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है? देखा जाए तो इंडिया का पलड़ा भारी है, क्योंकि इंडिया की परफॉर्मेंस इस बात बहुत अच्छी है. और दूसरी बात ये कि इंडिया में ये सारे मैच हैं तो. लेकिन साउथ अफ्रीका ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, मतलब टॉप टू में है. वो होगा टॉप टू में, लेकिन इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि ये सारे मैच इंडिया में, तो मुझे ज्यादा चांसेस इंडिया के लगते हैं. इंडिया के लगते हैं, बिल्कुल. और साउथ अफ्रीका की टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो भी अच्छी है, ये नहीं कि वो अच्छी नहीं है, लेकिन इंडिया के ज्यादा चांस. अच्छा, इंडिया ना 7 मैच जीती है बैक टू बैक, तो क्या लग रहा है कि जो अनबीटेबल स्ट्रीक है इनकी, ये चलती रहेगी या साउथ अफ्रीका तोड़ेगा? देखिए, मुकाबला बहुत सख्त होगा और चांसेस इंडिया के ज्यादा हैं. इंडिया के ज्यादा है, बिल्कुल. लेकिन ना हार्दिक पांड्या को इंजरी हो गई है, तो लगता है कोई डिफरेंस आएगा बॉलिंग में? क्योंकि बॉलिंग उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है बैटिंग के साथ, तो जाहिर सी बात है वो उनका बेस्ट प्लेयर है, बेस्ट बॉलर है कह सकते हैं, तो मे भी कुछ हो जाए. अच्छा, आप एज अ पाकिस्तानी आप किसको सपोर्ट करिए, इंडिया को या साउथ अफ्रीका को? एज अ पाकिस्तानी मैं इंडिया को तो खैर नहीं सपोर्ट करूँगी, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा कंपटीटर है, तो साउथ अफ्रीका को सपोर्ट. साउथ अफ्रीका को. वैसे तो इंडिया, बट मुझे लगता है कि नेक्स्ट मैच साउथ अफ्रीका जीतेगा. लेकिन इंडिया ने 7 मैच जीते हैं बैक टू बैक, तो ये जो अनबीटेबल स्ट्रीक जो इनकी चल रही है, तोड़ पाएंगे साउथ अफ्रीका वाले? मुझे लगता है, बाकी का पता नहीं. लेकिन आपको कुछ तो आपने देखा होगा ना, लाइक अगर हम कंपेयर करें बिकॉज सेमीफाइनल्स पे भी क्वालीफाई करना उनको, तो उन्होंने भी ज्यादा बात ट्रेनिंग की होगी और इंडिया ने भी की हुई है. इंडिया वैसे ओवरऑल बेस्ट टीम है. लेकिन ना हार्दिक पांड्या को भी इंजरी हो गई है, तो उस बारे में आपको लग रहा है कि कुछ जा सकता है कि टीम नीचे? मुझे, मैं वही बताना चाह रहा हूं आपको कि मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका ही जीतेगा नेक्स्ट मैच. आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं एज अ पाकिस्तानी, इंडिया या साउथ अफ्रीका? मैं एज अ पाकिस्तानी सेम साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन ओवरऑल मेरी सपोर्ट अफगानिस्तान के साथ है. अच्छा, लेकिन अभी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया था लेकिन पाकिस्तान को और भी बहुत लोगों ने हराया है. अच्छा, तो अफगानिस्तान के साथ है. वैसे दोनों ही, साउथ अफ्रीका और इंडिया, दोनों ही बहुत अच्छी टीम्स हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका क्यों? इंडिया ने इतनी, मतलब 7 मैच बैक टू बैक जीते हैं, अनबीटेबल एक स्ट्राइक उनकी स्ट्रीक रही है उन लोगों की, तो आपको नहीं लगता कि ये मैच भी जीत जाएंगे? लेकिन उनका जो इंडिया का प्लेयर है, जो कि उसको इंजरी हो गई थी, उसकी वजह से भी काफी फर्क पड़ा होगा उनकी टीम के ऊपर. ऑब्वियसली जब आपके टीम में अच्छा प्लेयर जाता है तो आपको फर्क पड़ता है. अच्छा, तो इस लिहाज से साउथ अफ्रीका थोड़ी सी ना बाजी. अच्छा, लेकिन इंडिया का कोई ऐसा प्लेयर, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, शुभम गिल, इतने हैं, कोई ऐसा प्लेयर जो आप कहते हो यार ये कितना प्यारा है, ये कितना अच्छा और क्या परफॉर्म करता है? ऑब्वियसली विराट कोहली अच्छा लगता है. कोई मैसेज दे दो विराट कोहली को, बर्थडे आने वाली है बॉय की. अच्छा, बर्थडे आने वाली, जिस तरह पाकिस्तान में सब हम लोग शाहीन अफरीदी को पसंद करते हैं, शाहिद अफरीदी को पसंद करते थे, इस तरह हम लोग इंडिया में जो है वो विराट कोहली को मैं पर्सनली बहुत पसंद करती हूँ, और मुझे उनका कपल अनुष्का का और विराट का मुझे पर्सनली बहुत पसंद है. तो आप किसको सपोर्ट कर रही हैं, इंडिया को या फिर साउथ अफ्रीका को? मुझे प्लेयर्स वैसे इंडियन पसंद हैं और विराट कोहली की वजह से मैं इंडिया को सपोर्ट करना चाहती हूँ. अच्छा, मैच होने वाला है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, दोनों बड़ी बड़ी टीम्स हैं, क्या लग रहा है कौन जीतेगा मैच? साउथ अफ्रीका. क्यों? इंडिया ने 7 मैच जीते हैं बैक टू बैक, तो तुम्हें नहीं लग रहा कि इंडिया जीत जाएगी? नहीं, साउथ अफ्रीका अच्छी बड़ी टीम है, वो बहुत अच्छी टीम है, वो अच्छी प्लेयर है, बहुत ज़्यादा अच्छी प्लेयर है. अच्छा, इंडिया की टीम में विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं उनके पास, तो फिर क्यों कह रहे हो ऐसा? वो वहाँ पे साउथ अफ्रीका के बहुत अच्छे बॉलर हैं, बहुत ज़्यादा. एक बॉलर का नाम बताओ, साउथ अफ्रीका के बॉलर का नाम बताओ.
टेम्बो भी। अच्छा और कोई कोई बैट्समैन का नाम? बैट्समैन भी टेम्बो भी है, वो सबसे ज्यादा स्कोर करता है। अच्छा यानी कि देखते हो तो मैच अच्छी तरह से जी। अच्छा तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो मैच इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का, इन दोनों में से किसको सपोर्ट कर रहे हो? साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका को? yes. और चाहते हो कि साउथ अफ्रीका जीत जाए जी। तो जी जैसे कि आपको पता है कि साउथ अफ्रीका और इंडिया की टीम में हमारी पब्लिक किसको सपोर्ट कर रही है, ये तो सारे हैं कि बस साउथ अफ्रीका किसी तरह से ये मैच जीत जाए और इंडिया कोई एक मैच तो हार जाए। आप मुझे बताएं आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह।